बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है आज का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। डिफाइन इक्वेशन, जिसे हम मसावात भी कहते हैं। तो इक्वेशन एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है बिटवीन टू एक्सप्रेशन, जिन्हें हम इक्वल टू के साइन से जोड़ देते हैं आपस में, तो वो इक्वेशन बन जाती है। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं यहां पे 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 6 एक एक्सप्रेशन था, 0 एक अलग से एक्सप्रेशन था। हमने ये जो साइन इक्वल टू यूज किया है, इसकी वजह से ये इक्वेशन बन जाती है। फिर नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इक्वेशन आती हैं, जिनमें आप लीनियर इक्वेशन जो है सबसे पहले पढ़ते हैं कि जी व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन या ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो आपका वेरिएबल होता है उसकी पावर 1 होती है। वेरिएबल वो कहलाता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसा कि अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे a और c जो है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जिसकी फिक्स कीमत होती है, उसे आप अपनी मर्जी के तहत बदल नहीं सकते। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? तो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक एक्सप्रेशन होता है, एक इक्वेशन होती है इन वेरिएबल एक्स, जिसे हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दूसरा नाम होता है वो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल भी कहलाते हैं। यहाँ पे हमने वर्ड डिग्री यूज किया है, तो बेटा डिग्री क्या होती है? डिग्री आपके पास वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे लिखते हैं 7x की पावर 3 प्लस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी होगी बेटा? 3 होगी। इसी तरह अगर मैं लिखूं 5x की पावर 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो मेरा बेटा यहाँ पे इसकी डिग्री होगी 9। आपने एक बात याद रखनी है कि जिस इक्वेशन की जितनी पार होगी उसके उतने ही आंसर होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी डिग्री चूंकि 2 होती है, तो उसके सॉल्यूशंस भी 2 ही होते हैं। ये बेटा मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बता रहा हूं। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। हाउ वी कैन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
तो हमारे पास जो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास तीन बेसिक टेक्निक्स होती हैं बेटा। पहली जो है उसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन, दूसरी टेक्निक उसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कहते हैं, और थर्ड टेक्निक जो होती है उसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। मेरा बेटा यहां पे आपने ये बात याद रखनी है कि जो फैक्टराइजेशन होती है ये तमाम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होती, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है ये हर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए एप्लीकेबल होती है। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.1, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो मेरा बेटा मैं आपको फैक्टराइजेशन जो है उसका तरीका सिखाऊंगा आज के लेक्चर में। फैक्टराइजेशन के लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास वो है 3x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बड़ा आसान सा तरीका है बेटा। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स स्केयर वाली रकम को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। ये आपके पास आ जाएगा अब 3x का स्केयर। नंबर 2 आपने क्या करना है, जो आपकी मिडल टर्म होगी उसको आपने दो हिस्सों में इस तरीके से डिवाइड करना है या सम करना है उनका, कि अगर आप उन्हें ऐड करें तो आपके पास 4x आए, मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर है। अब हम क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर, और हम 4x को यहां पे लिखेंगे x प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरा बेटा आप देख सकते हैं कि पहली दो रकमों में x कॉमन आ रहा है, ये बन गया 3x प्लस 1। अगली दो रकमों में से 1 कॉमन आएगा, ये बन गया 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मेरा बेटा आप देख सकते हैं कि यहां पर इन दोनों रकमों में 3x प्लस 1 कॉमन आ गया और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। याद रखना है जब दो रकमों का प्रोडक्ट 0 होता है तो a 0 होता है या फिर b 0 होता है। यहां पे इंपॉर्टेंट बात है ये वर्ड और या। इसी तरह अगर आपके पास a जमा b इज इक्वल टू 0 हो तो इस बात का मतलब होता है कि आपका a भी 0 है एंड बी भी 0 है। ये फर्क होता है और एंड में। अब हम चलते हैं 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आएगी -1/3 और x की वैल्यू आएगी -1। तो मेरा बेटा आपका सॉल्यूशन सेट जो है वो आपके पास आ गया, जो के बराबर होगा -1/3, -1, और इसे आप कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ये आपका सॉल्यूशन आ गया।
मैं एक और सवाल आपको प्रैक्टिस के तौर पे समझा रहा हूँ ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की जाना। क्वेश्चन नंबर टू में है आपके पास बेटा 9x² - 12x - 5 = 0। अब इस सवाल में क्या है मेरा बेटा, सेम वही तरीका है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि एक्स स्केयर वाली रकम को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास आ गए जी -45x का स्केयर। नंबर टू हमने क्या करना है, जो आपकी मिडल टर्म है उसको आपने दो हिस्सों में लिखना है, और वो इस तरीके से लिखना है कि आपके पास ऐड करने से -12x आए और मल्टीप्लाई करने से आपके पास -45x के रहे। तो देखें, हमने ये बात जहन में रखनी है कि अगर माइनस की रकम आपके पास चाहिए तो आपके पास एक रकम नेगेटिव होगी और एक पॉजिटिव होगी। फिर दूसरी बात आपने ये जहन में रखनी है कि आपके पास जो मिडल टर्म है वो कैसी है। अगर वो पॉजिटिव है तो बड़ी रकम पॉजिटिव रखेंगे, और इसी तरह अगर वो नेगेटिव है तो बड़ी रकम आप नेगेटिव रखेंगे। अब हम क्या करते हैं जी, सेम वही तरीका, हम यहाँ पे 9x² वैसे ही लिखेंगे, 12x को हम यहाँ पे लिखेंगे जी -k 15x +3x - 5 = 0। तो मेरा बेटा आप देख सकते हैं कि पहली दो रकमों में आपके पास 3x कॉमन आ रहा है, तो ये बन गए 3x - 5, और अगली दो रकमों में आपके पास 1 कॉमन आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे और फिर ये आपके पास आ जाएगा 3x - 5 = 0। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास वही पिछले सवाल की तरह यहां पर इन दोनों रकमों में 3x - 5 जो है वो कॉमन आ गया, और दूसरी रकम आ गई 3x + 1 = 0। अब वही तरीका कि अगर दो रकमों का प्रोडक्ट 0 है तो पहली रकम 0 के बराबर और या फिर दूसरी रकम 0 के बराबर। यहां से अगर आप देखें तो हमारा टारगेट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप क्या करेंगे, यहां पर आपके पास आ जाएगा x = 5/3। इसी तरह यहां पर आपके पास आएगा -1 और ये आपके पास आ जाएगा -1/3। बेटा सॉल्यूशन सेट आ गया आपका -1/3, 5/3, और यूं आपका ये वाला सवाल भी हल हो गया। ये स्टूडेंट्स प्रैक्टिस के लिए, आप ताकि घर बैठ के प्रैक्टिस कर सकें, मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं। असाइनमेंट में आप सेम एज इट ऐसे ही सवाल हल करेंगे जैसे मैंने आपको लेक्चर में समझाए। तो मेरा बेटा असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन है आपके पास x² + 7x + 12 = 0, और दूसरा सवाल है आपका x² - x - 2 = 0। कल हम इसे डिफरेंट इक्वेशंस को, जिन्हें पहले क्वाड्रेटिक बनाया जाएगा फिर उनकी फैक्टराइजेशन सीखेंगे। अल्लाह।